हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बैड बॉय में। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट पार्ट टू। और आज हमारे साथ फिर से है आशीष भैया। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो आज कल हमने कितना सारा किया था, आज भी हम करेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए सॉरी। और आज हम घर का सामान इकट्ठा करेंगे, फिर अगले पार्ट में हम घर बनाएंगे। चलो पहले हम हमारा सामान ले लेंगे। कुछ शवल बनाएंगे, देखो शवल दो बनाएंगे। यहाँ पर ये रखनी है और यहाँ पर ये आयरन और यहाँ पर एक स्टिक। फिर ये दो शवल आ जाएंगे आपके पास। हम पहले थोड़ी सी सैंड इकट्ठा करेंगे घर के लिए। और गाइस, ये शवल जरूर लेने ना, इससे क्या होगा, ये है ना वो ब्लॉक्स वो जल्दी टूट जाते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। देखो गाइस, हमने कितनी सारी सैंड इकट्ठा कर ली है। और चलो अब हम चले अपने बेस में। और हमें थोड़ी सी ग्लेवर भी चाहिए, क्योंकि हम अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी ग्लेवर और सैंड चाहिए। आपको लग रहा है कि ये डर्ट का घर बनाएगा, लेकिन नहीं गाइस, इससे हम कांच का बना देंगे। तो हम वही बताते हैं, चलो वो किसे बनता है। चलो गाइस, मैं यहाँ पर गांव में थोड़ी सी ग्रेवल थी और मैं यहाँ पर आ गया। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी शवल कहाँ से आ गई। मैंने सोचा कि ये शवल से तो काम नहीं चलेगा, तो मैंने दूसरी शवल ले ली। फिर चलो यहाँ से हम ग्रेवल इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में हम ग्लासेस बनाएंगे। वो सैंड होती है ना, उसे फर्नेस में रख कर ग्लास बनते हैं। तो चलो मिलते हैं, ये ग्रेवल इकट्ठा हो जाए ना, फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, हमने ये डर्ट है ना वो ले ली है, तो अब हम कांच बनाएंगे। वो आशीष भाई, इसको डर्ट नहीं कहते, ग्रेवल कहते हैं। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। चलो हम अब मैं हमारे घर चलते हैं। फिर हमको थोड़ा सा फूल भी चाहिए, क्योंकि हमको ये वाइट कॉन्क्रेस और सारे कॉन्क्रेस बनाने हो गए। इसलिए ये देखो, हमको ब्लू फूल मिल चुका है। हमको कितने सारे ब्लू फूल और रेड फूल चाहिए, क्योंकि हम कॉन्क्रेस बना सके। इसलिए मैं सारे फूल इकट्ठे कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ से सारे रेड फूल कलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से अपने घर चले जाता हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं, अपने घर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर देखो कितने सारे फूल हैं। मैं इस सब को कलेक्ट कर लेता हूँ। और थोड़े से हमको ब्लू फूल भी मिल चुके हैं। पर रोहित भाई, अब हम घर कब बनाएंगे। घर हम तीसरा पार्ट में बनाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो मैंने यहाँ से सारे फूल तोड़ लिए हैं। और हम जल्दी से अपने क्राफ्टिंग टेबल जाके ये सारे फूल की डाई बना लेते हैं। मैंने पार्ट वन में सिखाया था, फूल को यहाँ पर रखने से हमको डाई मिलेंगी। और ये ब्लू फूल भी हमें रखना है यहाँ पर, फिर ये ब्लू डाई भी हमको मिल जाएंगी। चलो अपना बेड यहाँ पर रख के रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। और हमारा खाना भी कम हो चुका है, हम खाना खा लेते हैं। और आ गए, खाना खाने से क्या होता है, आपका जो दिल है ना वो खाली होता हुआ है ना, तो अपने आप भरा जाएगा। और चलो मैं आपको एक ट्रिक
ये आपको ये थोड़ी सी सैंड चाहिए और मैंने जो ग्रेवल ग्रेवल ली थी वो चाहिए। आपको ये क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है, यहाँ पर देखो ऐसे रखना है सैंड और नीचे ग्रेवल रखनी है और वहाँ पर डाई कौन सी भी रखनी है। देखो यहाँ पर आपको ब्लू कंक्रीट पावर मिल जाएंगे, ये सारे मैं ले लेता हूँ। और देखो रेड कंक्रीट पावर भी हमको चाहिए थोड़े से, इसलिए मैं थोड़े से रेड कंक्रीट भी ले लेता हूँ, क्योंकि रेड कंक्रीट से हम घर बनाएंगे। चलो मैं सारा सामान रख देता हूँ। लेकिन हमें तो मिरर का मकान नहीं बनाना था रोहित भाई। हमको मिरर का तो बस ग्लास की जरूरत है, मिरर का मकान हम फिर कभी बनाएंगे। और ये देखो बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश में क्या होता है पता ही नहीं चलता है कि रात हुई या सुबह हुई, मुझे तो बारिश पसंद ही थी। अभी तो ये रेड कंक्रीट पाउडर है, आपको उसे उस पर पानी रखकर रेड कंक्रीट करना है। चलो हम जल्दी से बकेट बना लेते हैं। बकेट बनाने के लिए हमारे पास आयरन नहीं है, तो आयरन हमको ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से मैं आयरन ढूंढने जाता हूँ। तो केव में ही चलेंगे ना रोहित भाई? चलो केव में ही चलते हैं। और थोड़ी सी टॉर्च भी लेते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी हो गए ना, और एक सॉर्ड भी लेके जाते हैं। चलो और पिकेक्स तो हमको लेनी है। देखो गाइस हम हमारी केव में आ चुके हैं, और यहाँ से हमको यहाँ पर ज़ॉम्बी हो गए, तो थोड़ा ध्यान से चलना होगा। और ये मेरे मोबाइल में ग्लिच चल रहा है, इसलिए मैं पार्ट 3 में मैं ये ग्राफिक कार्ड डालूंगा, मतलब निकाल दूंगा। पार्ट 3 में ये मैं निकाल दूंगा। यहाँ पर हमें थोड़े से आयरन चाहिए, क्योंकि हम बकेट बना सके। अरे भाई ये तो पानी आ गया, ये देखो कैसा ग्लिच चल रहा है, मतलब बात ही मत पूछो अब तक। इसलिए मैं पार्ट 3 में ये हटाने वाला हूँ, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला। अगर आपको भी ग्राफिक चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर देखना, हम आपको लिंक भेज देंगे। चलो हम आयरन ढूंढते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर हमको 3 आयरन दिख चुके हैं, और नीचे ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है, इसलिए मैं नीचे जाने वाला हूँ। देखो मैं नीचे आ गया, ये मकड़ी ने तो डैमेज करना भी शुरू कर दिया। ये देखो मैंने मकड़ी को मार डाला, और जल्दी से मैं यहाँ से आयरन निकाल कर अपने घर चले जाता हूँ। यहाँ पर हमको आयरन मिल चुके हैं, ये मैं सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और ऊपर चढ़ने के लिए भी थोड़े से कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमको वापस ऊपर भी जाना है ना, इसलिए मैं थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, ये देखो हम ये ऊपर चले जाते हैं। और ये क्या आ गया बीच में, ये मैंने तोड़ डाला। चलो जल्दी से ऊपर जाके एक बकेट बनानी पड़ेगी। अरे ये तो कहीं भी टच हो रहा है रोहित भाई। जो आपके पास आयरन नहीं है तो आप से पानी में भी रख कर ये वाइट कॉन्क्रीट को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देर लगती है, इसमें देर नहीं लगती। ये देखो रात भी हो चुकी है, हम सो जाते हैं पहले। वैसे भी हम बेड लाए हैं ना रात को सोने के लिए, हमको पता था कि रात तो हो ही जाएगी। यहाँ पर मॉन्स्टर है इसलिए हम सो नहीं पाते, थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर है बाहर, इसलिए मतलब कितने सारे ज़ॉम्बी आ चुके हो गए, इसलिए अब हम सो नहीं सकते। चलो हम बाहर जल्दी से जाते हैं और ज़ॉम्बी को मारते हैं। बाहर कितने सारे ज़ॉम्बी हो गए इसको हमको पहले हम हमारी चीज बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पर देखो स्कैनर हमको मिला है, और इसके पास से हमको वो भी मिल गई। ये देखो ज़ॉम्बी विलेजर है, जल्दी से हम मतलब दोनों को टपका ही दिया आपने तो रोहित पे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही तगड़ी सौड़ है, आर्यन की सौड़ है।
ये तो अभी छोटी है ना रोहिताई, वो तो कितनी ज्यादा आती है, मतलब बात ही मत पूछो। हमको फिर नेदरराइट और डायमंड भी ढूंढना है ना। अरे हाँ, वो तो कितना जरूरी है, मतलब क्या कितना जरूरी होता है वो तो। यहाँ पर मैं आर्यन रख देता हूँ। फाइनली गाइस, हमारे ये 8 आर्यन मिल चुके हैं। और हमें थोड़ी सी स्टिक चाहिए, क्योंकि हम स्टिक सॉरी हमको स्टिक नहीं चाहिए। हम क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर ऐसे एक आर्यन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, आपको एक बकेट मिल जाएगी। और ये मैं बाकी के आर्यन बचा कर रख देता हूँ। फिर हमको चाहिए ये सारे वाइट कॉन्क्रेस सॉरी वाइट नहीं रेड रेड कॉन्क्रेस भाई रेड और ब्लू चाहिए। और ये मैं सारा फालतू का सामान मैं रख देता हूँ। ये मैं टॉर्च और सारा ये मैंने सारा रख दिया। और हमें पानी भी चाहिए, हमको पानी भी लेना वहाँ पर। फाइनली हम हमारे पास में एक तालाब था, इसके पास हम आ गए और यहाँ से पानी को ले लेते हैं। फिर हमारे घर के पास हम जाते हैं। पर आपको पता नहीं चलता कि पानी आया कि नहीं आया, तो आप यहाँ देखिए गाइस, इधर ये बकेट है ना, उधर ब्लू हो चुका है, मतलब बकेट पूरा भर चुका है। अगर बकेट खाली होगा तो ब्लू नहीं होगा, मतलब कि वो भरा पूरा भर चुका नहीं है। और चलो अब हम उसे ट्रिक से और हम ये कर डालते हैं, ये वाइट कॉन्क्रेस सॉरी मैं हर बार वाइट कॉन्क्रीट ही बोल जाता हूँ। ये रेड कॉन्क्रेस और ब्लू कॉन्क्रेस को रख देते हैं, ऐसे रख दे तो सारे रख देते हैं। देखो मैंने सारे रख दिए। और आप ये सोच रहे होगे ये रेड कैसे हो गया, क्योंकि मेरे से यहाँ पर गलती से पानी रख गया था, इसलिए ये रेड हो चुका है। और बाद में ये सभी ऐसे ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको पानी रख देना है, ये देखो ये रेड बन चुके हैं सारे। और इस तरह आपको रखना है। तो फाइनली गाइस, हमने ये पूरा कर दिया है, मतलब पहले कैसे लगते हैं और अब कैसे लगते हैं, क्या झकास दिखते हैं, नहीं रोहित भाई? ये हम सब ये से तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली अब दो ही बाकी रह चुके और ये पूरा हो गया। और चलो ये बाकी सब मैं ऑफलाइन में कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है ना, इसलिए मैं ये सब ऑफलाइन में कर दूंगा। फिर ये हमारी चेस्ट भी एक और लगाने पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो जगह भी अब कुछ ही है इसलिए। और आज हमें थोड़े से वो देखो हमारा अंगरबार भी खाली हो चुका है, और उसको हमको कुछ खाना खाना पड़ेगा। और मेरा एक हेल्थ भी एक कम हो चुका है। मतलब आपका खाना आपको घुटना ही नहीं चाहिए, मतलब आपको तो कुछ घुटना ही नहीं चाहिए। ये मैंने सारे पोटैटो खत्म हो चुके हैं। ये देखो अब हमारी हेल्थ भी बढ़नी चाहिए। देखो हमारे बढ़ गई। और हमें एक पिकेक्स चाहिए और एक टॉर्च भी ले लेते हैं, हमारे काम आएगी। हमें थोड़े से ये वाले ये ब्लॉक चाहिए वो। रोहित भाई पहले इस पिक को मार दो ना, अपने पास खाना भी बहुत नहीं है, और कब का बीच में आता है साला। इसको हम काम करके मारेंगे। ये वाला हमको ये थोड़े से ब्लॉक चाहिए, क्योंकि घर बनाने में ये अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो कितने सारे हैं। ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये मैंने सारे तोड़ लिए हैं, और मुझे कुछ आर्यन भी मिल चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं तोड़ पाया क्योंकि हमारे पास पिकेक्स टूट गई है। और देखते देखते रात भी हो गई, मतलब कहानी में आ गया है ट्विस्ट, और हमारे पास कुछ डिफेंस के लिए भी नहीं है, और जल्दी से हमको जाना पड़ेगा। ये देखो भाई ब्लीच हो रहा है, देखो ओ भाई जल्दी से हमको, ये तो पास में ही है ज़ॉम्बी, हमको जल्दी से सोना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ जल्दी से सो गए हम, और सुबह हमारी स्वॉर्ड लेंगे, फिर सारे को एक एक जून को मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये कौन सा डैमेज कर रहा है, पहले तो उसको ही मारेंगे। निकल साले, तू भी निकल। अरे भाई साहब, ये तू भी निकल, अब कौन बचा है, सारे भाग गए साले।
मतलब क्या ही कहानी में ट्विस्ट आ गया था भाई। एक टाइम तो लगा था मर जाएंगे यार। हाँ, हमको अब स्टोन कटर बनाना पड़ेगा, इसलिए हमको थोड़े से ये चाहिए और थोड़े से मैं देख लेता हूँ क्या चाहिए हमको। ये स्टोन कटर ये से जो ये धोड़े वाले ब्लॉक चाहिए, फिर ये आर्यन चाहिए। ये देखो स्टोन कटर ये से बन जाता है। फिर इसको यहाँ पर रख कर इसमें ये वाइट ब्लॉक रख देना है। फिर यहाँ पर ये वाले ब्लॉक हम लेंगे, ये हम सारे बना लेते हैं। देखो फाइनली गाइस मैंने सारे बना लिए हैं और मेरे से गलती से 4 स्लैब भी बन चुके हैं। ये मैं सारे रख देता हूँ। और रोहित भाई केव में से वो आर्यन तो ले आओ। पर हमारे पास पिकेक्स तो नहीं है, चलो हम बना के वो ले आते हैं। और हम ये आपको मैंने पार्ट 1 में सिखाया था कि पिकेक्स कैसे बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये से आर्यन रखने हैं, फिर यहाँ पर एक स्टिक और यहाँ पर एक स्टिक। देखो पिकेक्स बन चुकी है। और चलो हम केव में से वो आर्यन थे ना उसको ले आते हैं जल्दी। मतलब ज़ॉम्बी के चक्कर में आप तो भूल ही गए नहीं। और जल्दी से हम ले आते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो स्कैनेटन है, अब हम क्या करें इसको। यदि मैं इसको खोपड़ी तोड़ूंगा साले ने टूट गई। और जल्दी से मैं वो आर्यन ले आता हूँ। अरे बीच में कैसा झंझाल आ गया, इसको मैं कुछ बात भी नहीं चल रहा। इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी तक उसको रहने दीजिए। और ये दूसरे भी है देखो। हम हमारे घर पे आ चुके हैं अब, मैं सारा ये सामान रख देता हूँ। और हम एक चेस्ट भी बना लेते हैं क्योंकि हमारे ये चेस्ट वाली तो फुल हो गई है। चेस्ट एक नहीं थोड़ी ज्यादा बना लेते हैं नहीं रोहित भाई। तो ये हम 4 बना लेते हैं क्योंकि अब हमारे काम आएंगी और हमारे साथ अभी तक बहुत सामान इकट्ठा होगा, इसलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। बाद में हम तीसरे पार्ट में अपना मकान बनाएंगे तो सब अच्छे से रख देंगे। चलो अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.